नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं डिटेक्टिव। ये जो वीडियो है यहां पर मैं बताने जा रहा हूं कि अगर आपके पास एक गूगल एडसेंस अकाउंट है और या फिर आप एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और वहां पर यूट्यूब अकाउंट के साथ एक गूगल एडसेंस अकाउंट लिंक्ड है, आपके यूट्यूब चैनल पर मोनिटाइजेशन इनेबल्ड है और गूगल एडसेंस अकाउंट पर अर्निंग हो रहा है और फॉर सम रीज़न आप अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं, तो यही वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं ऑफिशियली और वहां पर जितना भी क्रेडिट था उसको विदड्रॉ कर सकते हैं डायरेक्टली टू योर बैंक अकाउंट। सो दैट बीन सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता देता हूं कि मैं कहीं से भी आपको प्रमोट नहीं करता हूं कि आप अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को क्लोज करें। बट एनी हाउ, अगर पॉसिबल ना हो आपको जो करंट गूगल एडसेंस अकाउंट है वो यूज़ करना है, या फिर फॉर सम रीज़न, फॉर सम कम्युनिटी स्ट्राइक्स, आपका गूगल एडसेंस अकाउंट मोनिटाइज्ड नहीं है, मोनिटाइजेशन डिजेबल हो चुका है एडसेंस अकाउंट पे, तो फॉर दैट केस आप अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं और उस पे जितना भी क्रेडिट्स है वो आप विदड्रॉ करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। फॉर माई केस, मैं सम रीजन्स के लिए मेरा जो ओल्ड एडसेंस अकाउंट है जो मेरा ये चैनल के साथ लिंक्ड है उसको क्लोज करना चाहता हूँ और इस पे जितना भी क्रेडिट्स है वो मैं बैंक पे विदड्रॉ करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं एक नया गूगल एडसेंस अकाउंट इसके साथ लिंक करूँगा, मतलब गूगल एडसेंस अकाउंट चेंज कर लूँगा। तो पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप अपने यूट्यूब चैनल से लिंक्ड गूगल एडसेंस अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं यही मेरा गूगल एडसेंस अकाउंट है जो मैं क्लोज करना चाहता हूँ। तो उससे पहले आपको गूगल एडसेंस अकाउंट पर जाके अपने अकाउंट पर लॉगिन करने के बाद अकाउंट सेक्शन पे जाना होगा। अंडर अकाउंट इन्फॉर्मेशन, अकाउंट स्टेटस पे आपको कैंसिल अकाउंट की ऑप्शन मिलेगा, उसको क्लिक करने के बाद आपका एक पेज ओपन होगा अकाउंट इन्फॉर्मेशन की। तो इसको कैंसिल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो गेटिंग पेड है इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। आपका जो एडसेंस अकाउंट है जो आप क्लोज करना चाहते हैं वो मस्ट बी पिन वेरीफाइड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो अकाउंट पर जो आपका बैलेंस है वो मिनिमम $10 होना चाहिए, जो कि है कैंसलेशन थ्रेशोल्ड। $10 होने के बाद ही आपको क्रेडिट मिलेगा बैंक अकाउंट पे। अगर मान लीजिए आपके $10 नहीं है, $5 हैं, तो आप कैंसिल तो ज़रूर कर सकते हैं लेकिन आपको कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो फॉर दैट आपका अकाउंट बैलेंस जो है $10 या फिर इससे ऊपर होना चाहिए फॉर गेटिंग पेड। और कैंसिल करने के बाद आपको अंडर 90 डेज आपका जो पेमेंट है वो बैंक अकाउंट पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि एडसेंस अकाउंट को कैंसिल करने के बाद आप अपना पिन वेरीफाइड एडसेंस अकाउंट खो देंगे और इसका जो स्टैटिक्स है और जो सारे चीज़ें हैं पेमेंट इन्फॉर्मेशन की वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर नहीं देख पाएंगे, खाली पेमेंट इन्फॉर्मेशन ही आप देख पाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको एक कैंसिलेशन रीज़न चूज़ करना होगा, फॉर मी आई एम अदर चूजिंग। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर एडसेंस का जो लाइसेंस टर्म्स एंड कंडीशन है उसको ओके करके कंटिन्यू करना है। इसको करने के बाद आपको अपने जो एडसेंस अकाउंट की जो जीमेल आईडी है वहाँ पर एक लिंक मिलेगा ईमेल के थ्रू, उस लिंक को आपको टाइप करना होगा। ये जो लिंक है वो 24 आवर्स तक वैलिड रहेगा। तो इसको टाइप करने के बाद आप फाइनली कंफर्म कर सकते हैं कि आप अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को क्लोज़ करना चाहते हैं। तो फाइनली क्लोज करने के बाद आपको एक और ईमेल मिलेगा जहां पर कंफर्म किया जाएगा कि आपका जो एडसेंस अकाउंट है वो सक्सेसफुली कैंसल्ड हो चुका है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं योर अकाउंट वॉज कैंसल्ड और आपका जो पेमेंट साइकिल है वो नेक्स्ट पेमेंट साइकिल पर आपको पेमेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट पेमेंट साइकिल मतलब ये जो कमिंग पेमेंट साइकिल है उसके बाद का पेमेंट साइकिल, मतलब जो कमिंग पेमेंट साइकिल है उसके बाद जो पेमेंट साइकिल आएगा वहाँ पर आपका जो क्रेडिट है उसको प्रोसेस किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं अपने मोबाइल पे आपको दिखा देता हूँ कि मेरा जो एडसेंस अकाउंट है वो कैंसिल हो चुका है। और ये जो नेक्स्ट पेमेंट साइकिल का चीज़ है मैं आपको समझा देता हूँ कि मान लीजिए आपने 10th ऑफ दिस मंथ को ये जो एडसेंस अकाउंट क्लोज है इसका रिक्वेस्ट आपने सेंड किया है,
तो आप जानते हैं कि हर एक मंथ 21 से लेके 24 तक जो गूगल एडसेंस अकाउंट का जो पेमेंट प्रोसेसिंग टाइम होता है, तो यही मंथ पे जिस मंथ में आपने कैंसिल रिक्वेस्ट भेजा था उस मंथ का जो पेमेंट साइकिल था 21 से लेके 24 तक वो स्किप होगा। उसके बाद का जो पेमेंट साइकिल है, मान लीजिए आपने फरवरी को रिक्वेस्ट सेंड किया था, तो फरवरी के बाद मार्च पे जो पेमेंट साइकिल रहता है, मतलब मार्च 21 टू मार्च 24 का जो डेट होता है, वहाँ पर आपका जो अकाउंट पे जो क्रेडिट था वो प्रोसेस होगा और ट्रांसफ़र होगा टू बैंक। तो 90 डेज यहाँ पर मैक्सिमम लगता है आपको, लेकिन 90 डेज आपको नहीं लगता, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के अंदर ही आपको अपना पेमेंट मिल जाएगा। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो गूगल एडसेंस अकाउंट पे बैलेंस था वो क्रेडिट हो चुका है मेरे बैंक अकाउंट पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं यही अकाउंट है जहाँ पर बोल रहा है कि ये जो अकाउंट है ये क्लोज हो चुका है, और ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग डेढ़ महीने बाद। तो आज जो है, आज तारीख है 27 मार्च। तो अब अगर मैं पेमेंट इन्फॉर्मेशन चेक करूं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यू आर व्यूइंग ए क्लोज्ड अकाउंट, ओनली पेमेंट इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल। तो अब आपका जो एक्चुअली अर्निंग है वो $0.00 दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ट्रांजैक्शंस पे क्लिक करूं, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा जो अकाउंट था उसका स्टार्टिंग बैलेंस था $51.50, और वायर ट्रांसफ़र के माध्यम से ये मेरे बैंक अकाउंट पे भेज दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 23 मार्च को ऑफ दिस ईयर। सो यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको इसका पेमेंट रिसीप मिल जाएगा। ये रहा, गूगल से पेमेंट रिसीप है, और जो पेमेंट अमाउंट है वो है $51.50 वायर ट्रांसफ़र टू द बैंक अकाउंट। आपको यहाँ पर पेमेंट डेट मिल जाएगा, बिलिंग आईडी, ट्रांजेक्शन आईडी भी मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको अपना एड्रेस मिल जाएगा। अब 23 मार्च को मेरे अकाउंट पे दिखा रहा था कि पेमेंट इशू हुआ था, लेकिन ये वायर ट्रांसफ़र के माध्यम से इंटरनेशनली आपका जो क्रेडिट है वो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम USD टू रुपीस इंडियन। तो इसके बीच में लगभग 2 से 5 दिन का गैप लगता है। जब आपको दिखाया गया यहाँ पर 23 मार्च को, तभी आपको नहीं मिल सकता है, थोड़ा लेट हो सकता है ये। तो मेरे लिए ये 5 दिन लगा। तो मैं आपको जो बैंक अकाउंट है वहाँ पर आपको ट्रांजैक्शंस हिस्ट्री दिखा देता हूँ कि मेरे बैंक अकाउंट पे जो है क्रेडिट हो चुका है। ये मेरा स्टेट बैंक का जो अकाउंट है जो मैंने वहाँ पर दिया था, देख सकते हैं ये मेरा ही बैंक अकाउंट है। और यहाँ पर अगर मैं आपको ट्रांजैक्शंस दिखाऊँ, लास्ट ट्रांजैक्शन पे आपको ये ट्रांजैक्शन मिल जाएगा जो कि है 27 मार्च, और यह है $51.50 जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था, $51.50 वही है एट द रेट 54.25 रुपीस पर डॉलर के हिसाब से, ये होता है 3,824 रुपीस। उसके बाद जो है फॉरेक्स टैक्स भी मुझे लगा, कमीशन और सर्विस चार्ज 45 और 50 रुपीस करके। सो बहुत सारे यूज़र्स के अंदर एक कन्फ्यूजन था कि रियली में ये जो बैलेंस है वो क्रेडिट होता है कि नहीं आपके बैंक अकाउंट पे, इसीलिए मैंने डेढ़ महीने बाद ये क्लिप मैंने रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको बता पाऊँ कि रियली में ये जो है क्रेडिट होता है आपके बैंक अकाउंट पे, अगर आपके चैनल सारे गाइडलाइंस को फुलफिल करता है। तो इसके लिए आपको $10 ज़रूरी होना चाहिए आपके अकाउंट पे, $10 या फिर उससे ज़्यादा, और आपका एडसेंस अकाउंट डेफिनेटली एड्रेस, आइडेंटिटी एंड पिन वेरीफाइड होना चाहिए। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में मैंने देखे थे कि ये जो स्टेप था ये इनकम्प्लीट था, तो इसलिए यूट्यूब पे बहुत सारे यूज़र्स को ये कन्फ्यूजन था कि रियली में क्रेडिट होता है कि नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज़रूर ये क्रेडिट हो जाता है आपके अकाउंट पे। और एक और बात, आप जब जिस महीने पे आप क्लोजिंग के लिए रिक्वेस्ट करते हैं गूगल एडसेंस पे, उस महीने को छोड़ के उसके बाद का जो महीने रहता है उस महीने की पेमेंट साइकिल, मतलब 21 से लेके 24 तक आपका जो रिफंड रिक्वेस्ट है वो प्रोसेस किया जाता है, इसीलिए आपको लगभग 1.5 से 2 महीने लग जाएगा आपके अकाउंट पे क्रेडिट होने में। तो ये चीज़ आपको ध्यान पे रखना होगा। और मैं आपसे एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो सिचुएशन हमारी कंट्री पे क्रिएट हुआ है, ये सिचुएशन से मुकाबला हम
सिर्फ हम ही एक साथ कर सकते हैं। तो मैं आपसे विनती करूँगा कि आप कृपया घर पर रहिए, हैंड वॉश या फिर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र आप यूज़ कीजिए घर पर, और कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मत यूज़ कीजिए, कोई भी पब्लिक एरिया पे आप मत जाइए अगर आपको बहुत ज़रूरी कोई काम ना हो तो। सो बी सेफ, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।